तो आज हो रही है बारिश और मैंने सोचा क्यों ना आज इडली बना दी जाए। तो मैंने सुबह सूजी और दही और उसमें इनो मिलाया है, और आप लोग बेकिंग सोडा भी मिला सकते हो। बेकिंग सोडा, ठीक है। तो इसको मैंने आधा घंटे भिगाया है और ये है सूजी की इडली। अभी कहाँ बनी है, मतलब सूजी का पेस्ट है ना। इडली वाला, इडली खा लो। तो इसको ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और ज्यादा पतला भी नहीं करना। हाँ। इसको रखना है थोड़ा मीडियम साइज, मीडियम साइज है ना। हाँ। और ये है हमारा इडली का बर्तन जिसमें हम इडली बनाएंगे, और हम बनाएंगे गैस में। और पता क्या है, इसको हमने यहाँ तक पानी से भर रखा है, इतना है थी। थोड़ा और कर दिया। और यहाँ पर हमारा लाल जो है वो पढ़ाई कर रहा है। पापा, मम्मी, पक्का है मेरा। और ये इन्होंने ला रखा है ऑलिव ऑयल। हाँ। तो मैं इसका यूज कर रही हूँ। घी का भी कर सकते हैं, मक्खन का भी। हाँ। इन पे थोड़ा थोड़ा लगाना ताकि बस इडली चिपके ना। ये कौन सा कपड़ा, इसे मुंह साफ करते हैं। मैंने धो रखा है वो, ठीक है, रुमाल है वो। आपको तो हर चीज ऐसी लगती है, ब्रश तो है नहीं, तो काम चलाओ सरकार, ठीक है। देखो यहाँ पर बारिश हो गई है, बारिश कभी भी हो जाती है, और ठंड बढ़ गई है। सुबह ठंड होने लगी थी तो मैंने स्वेटर के ऊपर टी शर्ट पहन ली, और ये मेरा स्टाइल मतलब बहुत पुराना है। जब मेरी पहली जॉब थी ना, ऑफिस मतलब नौकरी करता था, पहली शादी नहीं। जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक हम इसको इसमें रखते हैं। इसको मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, यस, देखो हमारे ये फूलेंगे भी ना, इसलिए मैं कम रख रही हूँ। और बेकिंग सोडा आप डाल सकते हो। मतलब मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे, अगर आदमी इनो खाता तो आदमी क्यों नहीं फूलता फिर? क्योंकि आदमी पति होता है। दोस्तों हमने ये सब कुछ अच्छे से धो रखा है। मैंने अभी धोया है इसको। हमने तो सूजी भी धोई थी ना। सूजी धोई थी, हम लैपटॉप धोते हैं और हम फोन भी धोते हैं, क्योंकि हमारा फोन ये राशि है, ये लैपटॉप धो सकती है। इसको पहले छोटा वाला रखो, ये छोटा हटो, उसको हटो, हर बार पत्नी सही नहीं होती है, हटो। तो इसको ना हम अब 10 मिनट बाद देखेंगे, पर बीच बीच में देखते रहेंगे ना। तो इसको हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे, लेकिन हम इसको 10 मिनट रखेंगे, और तब तक हम चटनी भी बना लेते हैं। चटनी बनेगी नारियल की और मूंगफली की, कच्ची मूंगफली, और हस्बैंड की। हस्बैंड की तो चटनी पहले बन चुकी है, क्योंकि मूंगफली कच्ची है। तो मैं इसको हल्का हल्का भून रही हूँ ताकि इसमें स्मेल ना आए, नहीं तो इसमें कच्चेपन की स्मेल आती है ना। और तब तक मेरे पति और काम करेंगे। मूंगफली हमारी भून चुकी है और अब इसको हम बंद कर देते हैं। आज मैंने सूजी की इडली फर्स्ट टाइम बनाई है, अभी बनी नहीं है। हाँ, मतलब बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, और देखते हैं मम्मी पापा को पसंद आती है कि नहीं। और ये है नारियल, इसको मेरे पति फोड़ेंगे। जाओ फोड़ के आओ। 1 2 3 देखते हैं। बस गिर गया पानी। वाह 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 वाह, ये नारियल पानी कैसे हो? पी जाओ, पी जाओ, थोड़ा सा ही है ना, तो मैंने उसको दे दिया ना। आप क्या बना रहे हो? ट्विन। क्या बात है, बढ़िया बनाई है तुमने। देखो ये रहा ट्विन। एक बार चेक कर रहे हैं। तो आप बनाने जा रहे हैं हम मूंगफली और नारियल की चटनी। ये नारियल डाल दिया हमने, और इसी में मूंगफली भी। अभी कहाँ बोलना है? अभी हमने बोला नारियल की चटनी का ही पसंद है। नारियल की पसंद है। तो नारियल। ये है मिर्च। मिर्ची, नमक, ये धनिया पाउडर ना, थोड़ा पानी ला, मूंगफली की खुशबू आ रही है। तो चटनी बन गई है, और हमारे पास कड़ी पत्ता और धनिया नहीं है, तो वो हम नहीं डाले, आप लोग डाल सकते हो। और हमारे पास ये चटनी है बस, और इडली है, और सांभर भी नहीं है, है ना।
ये देखो चम्मच पे कुछ नहीं लगा, मतलब बन गया है। यस, क्या बना? तो दोस्तों इडली बन चुकी है, बड़ी अच्छी बनी है, ठीक है। और ये राशि ने पहली बार बनाई है ऐसे सूजी की इडली। पहले हमने ऐसे दाल वाली तो बना रखी थी, रेडीमेड थी वो। हाँ। बट ऐसे फर्स्ट टाइम, तो कुछ गलतियां होगी तो आप समझ जानो कि फर्स्ट टाइम है। अरे कितनी बढ़िया लगी नहीं देख ली। तो सबसे पहले मम्मी पापा को देंगे हम। किसको देंगे? मम्मी पापा को। ये देखो कितनी आसानी से निकल जा रही है। कड़ी पत्ता होगा तो और मजा आ जाता। यस, है ना। कलर ना अभी अंधेरा है ना यहाँ पर। हाँ, इसलिए वो वैसे लग रहे बाहर। हाँ, दिखाना। हाँ। आयो क्या चीज बनी होगी, मम्मी पापा को पसंद आएगी। बिल्कुल आएगी, है ना। इसके साथ सांभर होता तो और अच्छा था ना। नहीं नहीं, ये चटनी बढ़िया होती है। बढ़िया सांभर तो उसमें होता है, भात चावल के साथ। हाँ, तो ये चटनी में कितना बढ़िया सूखा अच्छा है। भूख लगी मेरे को बहुत। इडली। हाँ। इडली तो मेरा फेवरेट है साउथ इंडिया में। मैं साउथ इंडिया या अपनी कैंटीन में पहले ही डिमांड दे देता हूँ। अच्छा अच्छा। बहुत साउथ इंडियन खाना मेरे को बहुत पसंद है। हाँ, पापा। और इडली डोसा हुआ, सांभर हुआ, रश्म हुआ, वो तो साउथ इंडिया में तो वैरायटी सबसे ज्यादा है ना। तमिलनाडु में रहा हूँ एक साल, केरला में रहा हूँ, तो वहाँ तो लोगों का यही खाना है। पापा सीआरपीएफ में थे तो उनकी पोस्टिंग होती रहती थी। साउथ इंडिया का तो खाना सब पता है मेरे को। बहुत बढ़िया है, मतलब लाइट भोजन है ये। हाँ। तो अभी जबरदस्त इडली तो बढ़िया बनी है। दिलवाली नहीं बने, सूजी की है ना। सूजी की, सूजी की। हाँ। तो ये तो पेस्ट मिला होगा ना। ना, हमने खुद ही सूजी ली ना। हाँ ठीक है। ये इडली के साथ यही चटनी होती है, सांभर भी होता है। कैसे बने? बढ़िया बने। बढ़िया। जब हमको फेवरेट थी तो इसलिए तो बर्तन कहाँ से मंगाया, यहाँ तो बर्तन ही नहीं मिलता इडली का। तेरी मम्मी ने मंगाया कहाँ से? अच्छा। दुदु, मजा आ गया यार। कैसा रहा? अच्छा। पापा? सेम। चटनी चटनी ना मेरे। हाँ। वैसी बनी है चटनी। अच्छा। चटनी जैसे सेम। चटनी बहुत अच्छी बनी बाबू। नारियल और मूंगफली का। उसी की तो होती है। और भी है कि नहीं, कि सारे हम ही खा जाएंगे? नहीं नहीं, और भी है। बन भी सब बना रहे हैं। जल्दी बना दादा। गिलास आज मौसम भी बढ़िया ही था, मजा आ गया। सूजी की है ना ये, इसलिए थोड़ा फूली नहीं, थोड़ा फूलना चाहिए इसको। लेकिन टेस्टी जबरदस्त है, टेस्टी अच्छी है। और ला रहा हूँ। मम्मी पापा को बहुत अच्छी लगी इडली, तो मैं जल्दी जल्दी नीचे आई और दोबारा से दूसरा भी चढ़ा दिया। यस, है ना। दोबारा भी रख दी और अभी और है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो इडली है वो ज्यादा नहीं फूली है, तो इनो कम डाला क्या हमने? हाँ, मुझे लग रहा है इनो कम हो गया था क्योंकि ज्यादा थी ना सूजी। हाँ, हाँ। बेकिंग सोडा हमने थोड़ा कम डाल दिया, यही है। हाँ। ना इनो बेकिंग सोडा का काम तो करता है। हाँ। ये वाली इडली बहुत अच्छी फूल रखी है। इडली या इडली? इडली, इडली। हेलो हेलो भाई बहनों, करोना के टीका जल्दी से लगाना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को हमारी तरफ से क्या नमस्ते। क्यों बिबला बिबला देवांश? आपको पता है दोस्तों, जब भी हम फूड ब्लॉग बनाते हैं ना, फूड ब्लॉग, तो बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज देवांशी फिर रोने लग जाती है कभी कभी, है ना। इधर उधर जाती है, उसका इधर उधर गिरने का डर होता है।
तो फिर भी हम ब्लॉग बनाते हैं सब कुछ ध्यान में रख के, तो इसके लिए लाइक तो बनता है, लाइक कर देना। और रुद्रांश फिर रोने लग गया है।